नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसी घटना के बारे में जो आपको सरफेस पर देखने पर लगेगी कि इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा बवाल। जैसे अंग्रेजी में कहावत है स्टॉर्म इन अ टीकप, कुछ वैसी ही बात है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ऑफिस से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की एक मूर्ति को बाहर शिफ्ट कर दिया है, इतना सा मैटर है। लेकिन इसके कारण ब्रिटेन के नेता आग बबूला हुए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है यह मैं आपको समझाऊंगा और इस स्टैचू का बस्ट का क्या इतिहास है, क्या रोल है दोनों देशों के रिलेशंस के बीच में, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और विंस्टन चर्चिल इतने डिवाइसिव फिगर क्यों है इतिहास में, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस स्टैचू को देखो, बस्ट एक ऐसा स्टैचू होता है जिसमें केवल चेहरा और शोल्डर्स मैक्सिमम चेस्ट तक का एरिया होता है, उसको हम बस्ट कहते हैं, मतलब एक छोटा स्टैचू है। तो इस बस्ट को जो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में था, ओवल ऑफिस क्या है, राष्ट्रपति का ऑफिस होता है, उसको इन्होंने बाहर कर दिया है किसी दूसरे रूम में। तो इसको एक स्नब माना जा रहा है कि ब्रिटेन के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, ऐसा कई सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं, और इसकी जगह उन्होंने किसी और व्यक्ति का स्टैचू यहां पर लगवा दिया है। तो मेनली जो ब्रिटेन में राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं वो इस बात से बहुत नाराज हैं कि विंस्टन चर्चिल, जो कि एक ब्रिटिश नेशनल आइकन है, उनको आप बाहर कैसे कर सकते हैं ओवल ऑफिस से। विंस्टन चर्चिल कौन थे? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, सबसे फेमस उसी के लिए है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने इंग्लैंड को लीड किया था और उसके बाद 1951 से 55 तक फिर से सेकंड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ही इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पीपल एवर, ब्रिटिश लोगों की नजर में। तो ये है ओवल ऑफिस, अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिस। शायद आपने कई फिल्मों में या फिर धारावाहिकों में, वेब सीरीज वगैरह में इसका नाट्य रूपांतरण देखा होगा, तो इसको अच्छे से वो लोग कॉपी कर लेते हैं। तो क्योंकि ये ओवल शेप का है, अंडाकार शेप का है, इसलिए इसको ओवल ऑफिस कहते हैं। तो आप देखोगे इसमें कई डेकोरेटिव आइटम्स हैं और यहीं पर कुछ स्टैचूज भी लगे हुए हैं। तो अब अमेरिका का राष्ट्रपति, जो सपोजिटली दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसके ऑफिस में एक एक चीज जो है वो सिंबॉलिक होती है। चर्चिल का ये बस्ट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को गिफ्ट किया गया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएस के प्रेसिडेंट थे 2001 से 2008 के बीच में। तो उस समय उनको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने ये वाला स्टैचू गिफ्ट किया था, एज अ पर्सनल गिफ्ट दिया था उन्होंने कि मेरी तरफ से आपको ये मैं गिफ्ट दे रहा हूं। तो बुश ने उसको अपने ऑफिस में रखा था। काफी बड़े सम्मान की बात है कि आप राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को कोई गिफ्ट देते हैं और वो अपने ऑफिस में अगर उसे रखता है तो ये काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि उन लोगों को बहुत गिफ्ट मिलते हैं, है ना। जैसे आप जानते होंगे कि भारत में राष्ट्रपति को जो गिफ्ट मिलते हैं उसके लिए पूरा एक अलग एरिया, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, इतने गिफ्ट्स आते हैं हाई पॉलिटिकल पोजीशन पर जब स्पेशली वो दूसरे देशों में जाते हैं। लेकिन जब 2008 में ओबामा राष्ट्रपति बने तो ओबामा ने इस बुत को ब्रिटिश एम्बेसी को लौटा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इसे अपने ऑफिस में नहीं रखूंगा, इसको लौटा रहा हूं मैं ब्रिटिश एम्बेसी को, ससम्मान वापस किया गया था। लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट को लौटाते हैं तो ये बुरी बात भी मानी जा सकती है, और ऐसा ही उस वक्त ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस को लगा था। बोरिस जॉनसन, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के और उस समय लंदन के मेयर हुआ करते थे, उन्होंने ओबामा को बहुत खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि शायद ये व्यक्ति ब्रिटिश एम्पायर से ही नफरत करता है क्योंकि इसके पिताजी केन्या से थे, इसलिए इन्होंने ये बुत लौटाया है, ये शोभा नहीं देता। इस तरह की कई बातें कही गई थी। लेकिन अभी देखिए कि बोरिस जॉनसन ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। तो इसको कई लोग रेसिज्म भी कह रहे हैं कि आप ओबामा के खिलाफ तो इस तरह की बातें कह रहे थे लेकिन आपने जो बाइडेन के खिलाफ तो इस तरह की बातें नहीं कही। ओबामा के जाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक दूसरा स्टैचू, एक दूसरा बस्ट जो व्हाइट हाउस में पहले से था, उसको शिफ्ट करवाया अपने ऑफिस में। तो ट्रंप ने वो ब्रिटिश एम्बेसी वाला वापस नहीं मंगवाया जो ओबामा ने लौटा दिया था, बल्कि एक दूसरा बस्ट जो थोड़ा और पुराना था, 1960s के समय से व्हाइट हाउस में था, उसको इन्होंने मंगवाकर अपने ऑफिस में रखवाया। और इसको ये बहुत चाव से उसको रखते थे। आप देख सकते हैं टेरेसा मे जो एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ये जब आई थी ओवल ऑफिस तो इनके साथ खड़े होकर यहां फोटो भी खिंचवा रहे हैं, पॉइंट भी कर रहे हैं टुवर्ड्स द बस्ट। तो ये पहले लिविंग एरिया में हुआ करता था और लिविंग एरिया से इन्होंने इसको ऑफिस में शिफ्ट करवा दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को विंस्टन चर्चिल का अवतार मानते थे। कहते थे कि जितने महान चर्चिल है उतना ही शायद महान मैं हूं। तो ये वाला जो वर्जन है जो अभी चर्चा में है, ये 1960s से व्हाइट हाउस में है, ये इनके पास बहुत समय से है, लेकिन पहले ये प्राइवेट लिविंग एरिया में था, यानी कि जो लिविंग एरिया है, व्हाइट हाउस दोनों है, ऑफिस भी है और राष्ट्रपति का घर भी है, तो उनका जो घर वाला अपार्टमेंट वाला हिस्सा है वहां पर ये डेकोरेटिव एक पीस की तरह लगा हुआ था। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था, ओवल ऑफिस में, ओके। लेकिन अब इसको बाइडेन ने क्या कराया, फिर से लिविंग एरिया में शिफ्ट करवा दिया, बस इतना सा किया इन्होंने।
लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बाइडन ने इस स्टैचू की जगह किसका स्टैचू यहां पर रखा है। तो इन्होंने स्टैचू रखा है सीजार शावेज का। सीजार शावेज वॉज एन अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट 1960 के दशक में। और आप इंपॉर्टेंस देखिए इस शावेज के स्टैचू की कि बाइडन ने अपने परिवार वालों के फोटो के बीच में सीजार शावेज का ये स्टैचू या बस्ट यहां पर रखा हुआ है। मैं बार बार स्टैचू निकल रहा है मेरे मुंह से, एक्चुअली मैं इंग्लिश टर्म बस्ट है लेकिन अब हम कॉमनली स्टैचू ही बोलते हैं तो इसलिए वो है, टेक्निकली स्टैचू गलत होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ये आप देख लीजिए कि अपने परिवार वालों की फोटो के साथ में जो बाइडन ने ये बस्ट रखा है। ये बुत कहां से मंगवाया गया है? नेशनल मॉन्यूमेंट इन कैलिफोर्निया से, वहां पर ये रखा हुआ था। और बाइडन ने स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि आप अगर चाहें तो इसे यहां भेज सकते हैं व्हाइट हाउस में, तो इन्होंने इस रिक्वेस्ट को मान लिया और व्हाइट हाउस को अभी भेजा गया है। सीजार शावेज कौन है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि स्टडी आईक्यू यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर चुका है। और इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें ना केवल वीडियो लेक्चर्स बल्कि अन्य बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको हमारी ऐप पर यूज करने को मिलेंगे। तो आप हमारी स्टडी आईक्यू एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, या फिर आपको ये वीडियोस वेबसाइट पर कंप्यूटर पर देखने तो आप studyiq.com वेबसाइट पर भी जाकर कोर्स अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है और अभी रिपब्लिक डे सेल के तहत इस पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम सीजार शावेज पर फिर से। तो सीजार शावेज एक हिस्पैनिक ओरिजिन के व्यक्ति थे जो रहते थे कैलिफोर्निया में 1960s में। और सीजार शावेज एक फार्मर्स के लीडर थे और इनके नेतृत्व को, इनके प्रोटेस्ट करने के तरीके को 2008 में बराक ओबामा ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में काफ़ी सराहा था। उन्होंने इनको याद किया था, जैसे कि अक्सर नेता करते हैं, कोई ना कोई पुराने हिस्टोरिकल फिगर को वो लोग लाते हैं और बोलते हैं वो वैसा था, ये वैसा है, हम भी वैसा ही करेंगे। उसी तरह से ओबामा ने इनको काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर अपनी स्पीचेस में यूज़ किया था इनके आइडियल्स को। तो ये थे कौन? ये 1962 में नेशनल फार्म वर्कर्स एसोसिएशन के हेड थे। इन्होंने ये एसोसिएशन बनाया था और मेन लक्ष्य क्या था कि जो किसान थे कैलिफोर्निया के उनको सही दाम नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने हड़ताल करवाई थी। इन्होंने 5 साल लंबी हड़ताल करवाई थी ग्रेप पिकर्स की, यानी कि जो अंगूर के खेती करते थे वहां पर, वो लोग कैलिफोर्निया में, उससे वाइन वगैरह बनती है, कैलिफोर्निया बहुत फेमस है उस इंडस्ट्री के लिए। तो उनको सही दाम नहीं मिल रहे थे, इसीलिए सीजार शावेज ने किसानों की तरफ से एक हड़ताल करवाई थी। इन्होंने देश भर के लोगों को कहा था कि आप कैलिफोर्निया से आने वाले अंगूरों को बॉयकॉट कीजिए क्योंकि हमें यहाँ सही दाम नहीं मिलता है। और इसको काफ़ी सपोर्ट किया गया था देश भर में। तो इन्होंने कॉरपोरेट्स के साथ, कंपनीज के साथ एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और अल्टीमेटली इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किए, कंपनीज ने बार्गेनिंग एग्रीमेंट साइन किए जिसके तहत किसानों को सही दाम मिलने लगे। इनकी जो ये हड़ताल थी उसमें इन्होंने कई बार भूख हड़ताल भी करी एंड ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ। तो कुल मिलाकर एक वर्कर लीडर थे ये और इन्होंने किसानों के लिए बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया। इनके नॉन वायलेंट एक्टिविज्म को रिकग्नाइज करते हुए यूएस की गवर्नमेंट ने 1994 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें यूएस का हाईएस्ट अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया इन्हें, उससे इन्हें नवाजा गया 1994 में। सो बेसिकली ये वहां पर एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, फार्मर्स के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। अब कॉन्ट्रोवर्सी क्या है? तो देखो, यूके के कई पॉलिटिशियंस यूएस पर नाराज हो रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि आप आते ही हमारे नेशनल हीरो को इस तरह से अनसेरेमोनियसली बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि चर्चिल की जो इमेज है कहां पर यूके में, वो एक नेशनल वॉर हीरो की है। कि चर्चिल नहीं होते तो शायद ये वर्ल्ड वॉर टू हार जाते, ऐसा यूके के लोगों का मानना है। और इसका आपको एक एग्जांपल देखना हो तो एक क्रिस्टोफर नोलान की मूवी है डंकर्क, उसमें इनकी स्पीच को बताया गया है। बहुत सारी फिल्मों में वैसे दिख जाएगा आपको, लेकिन डंकर्क में इनकी स्पीच काफी अच्छी है जो बताई गई है, मूवी में दर्शाई गई है। तो चर्चिल ने रेडियो पर बहुत शानदार स्पीचेस दी थी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सोल्जर्स का और ब्रिटिश सिविलियंस का मोराल इसी से बना रहा था चर्चिल की स्पीचेस को सुनकर, और इसीलिए अल्टीमेटली नाजीज को वो हरा पाए थे। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है चर्चिल को देखने का, वो किसकी तरफ से है? हमारी तरफ से, भारत की तरफ से। तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उस वक्त, जैसे कि भारत, उनके लिए तो चर्चिल एक हीरो नहीं है, क्योंकि चर्चिल की पॉलिसीज के कारण हमारे बंगाल में लाखों लोग मारे गए थे। और जो बंगाल फेमाइन थी वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड फेमाइन थी 1940s में, 1942-43 में, क्योंकि तब चावल की बंपर पैदावार हुई थी, लेकिन सारा चावल सोल्जर्स के लिए ले जाया गया था और लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और आयरलैंड में भी, जो आयरलैंड भी उस समय ब्रिटिश रूल के अंडर ही था, तो आयरलैंड में भी विंस्टन चर्चिल को इसी निगाह से देखा जाता है कि वहां पर उन्होंने ऑप्रेसिव पॉलिसीज लागू करी थी। बंगाली में एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसका नाम है आशानी संकेत, इसमें बंगाल फेमाइन को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। अगर आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं अगर बंगाली समझ में आए। इस बंगाल फेमाइन का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि कई स्कॉलर्स का आज भी कहना है कि बंगाल उस फेमाइन से कभी उबर ही नहीं पाया है। 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन बंगाल उस फेमाइन से अभी भी नहीं उबर पाया, और आज भी इकोनॉमिक डिप्रेशन जो वहाँ देखने को मिलता है, या उतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है कंपेयर टू अदर
पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके पीछे शायद ये बंगाल फेमाइन एक रीजन हो सकता है। अब पिछले साल ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडन ने BLM को सपोर्ट किया था और इलेक्शन का अपने पार्ट बनाया था कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो पूरा इमोशन है, यानी कि इक्वल राइट्स हो, उनके खिलाफ अत्याचार ना हो अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स के खिलाफ, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे, हम एंटी रेसिज्म वाली जो पॉलिसीज हैं उनको लागू करेंगे, और एंटी कॉलोनियल वेव ऑफ सेंटिमेंट जो चल पड़ी थी एक तरह से उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। एंटी कॉलोनियल का मतलब क्या है, देखो अब वैसे US को तो आज़ाद हुए 250 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो वहाँ एंटी कॉलोनियलिज्म इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अफ्रीका और एशिया के कई देशों में आज भी एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो इनिशियली ये जो एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट थे उसमें अमेरिका में उन लोगों के स्टैचू गिराने शुरू कर दिए जो स्लेव ओनर्स हुआ करते थे, और स्लेव ओनर्स के बाद धीरे धीरे जब ये और आगे बढ़ा मूवमेंट तो चर्चिल के स्टैचूज पर भी वैंडलिज्म देखने को मिला, जैसे यहां लिखा हुआ है चर्चिल वॉज अ रेसिस्ट, तो इस तरह के ये UK में भी देखने को मिला था और कई और देशों में अफ्रीका में भी देखने को मिला था। वैसे ये समय समय पर ये देखने को मिलता है कि चर्चिल है, किंग लियोपोल्ड है ना, इन लोगों के स्टैचूज को डैमेज किया जाता है। इनफैक्ट गांधी जी के स्टैचू तक को डैमेज किया गया था साउथ अफ्रीका में, लेकिन अभी ये चर्चिल के खिलाफ जब वेव थी तो दैट वॉज पार्ट ऑफ द लार्जर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। तो चर्चिल को ये कहा गया था कि ये खुद एक रेसिस्ट थे, इन्होंने इनके पॉलिसीज के कारण लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई थी, और चर्चिल हिस्टोरिकली डेफिनेटली आज़ादी देने के फेवर में नहीं थे किसी भी कॉलोनी को, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब जब जो बाइडन ने, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने विंस्टन चर्चिल के बस्ट को अपने ऑफिस से बाहर किया है तो अमेरिका के फार राइट लीडर, UK के फार राइट लीडर्स बहुत नाराज हैं, जैसे नाइजल फराज जो ब्रेग्जिट वाले हैं, इन्होंने तुरंत ये ट्वीट कर दिया कि ये एक स्लैप इन द फेस है ब्रिटिश के लिए और हमारे अच्छे रिलेशंस इनके साथ नहीं हो सकते US के साथ में, इस तरह की बातें इन्होंने कही है। लेकिन इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश करी UK में अमेरिकन एम्बेसडर ने, इन्होंने कहा था कि अमेरिका और इंग्लैंड बहुत क्लोज पार्टनर्स और एलाइज हैं, जैसा कि हम पहले भी थे वर्ल्ड वॉर के समय में भी और अभी भी रहेंगे। तो इन्होंने खुद चर्चिल की फोटो ट्वीट करी और US एम्बेसडर टू द UK ने थोड़ा मामले को संभालने की कोशिश डेफिनेटली करी है। लेकिन PM बोरिस जॉनसन पर लोग कई बार अब इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि आपने ओबामा के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि ओबामा ने चर्चिल को बाहर निकाल फेंका है क्योंकि वो कॉलोनियल माइंडसेट वाले हैं और ही हेट्स द ब्रिटिश एम्पायर, इस तरह की बातें कही थी। लेकिन बोरिस जॉनसन अभी कुछ नहीं कह रहे, अभी उन्होंने बस इतना ही कहा था कि उनका ऑफिस है वो जाने, उनको जिसको रखना है ऑफिस में रखें, जिसका स्टैचू निकालना है निकाल दें, इस तरह की बातें PM बोरिस जॉनसन ने कही। तो इस पर लोग कह रहे हैं कि दिस इज रेसिज्म कि आप एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो इस तरह से कह रहे थे जबकि आपने जो बाइडन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ लोगों ने यह भी डिमांड करी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो स्टैचू फिर से UK ही मंगवा लेना चाहिए, अमेरिका में उसको रखने का मतलब नहीं है, जब इज्जत नहीं मिल रही तो क्यों रखें। तो इस पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है, जो स्टैचू हमने दिया था वो बना रहेगा और हमारी US के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप है वो बाइडन के टर्म में भी कंटिन्यू रहेगी। जाते जाते मेरे को एक बहुत कोट अच्छा लगता है विंस्टन चर्चिल का जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, Americans always do the right thing once they have exhausted all other possibilities. ये विंस्टन चर्चिल ने फेमसली कहा था। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।